हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती रहती है और हर तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन से हम लोग आपको अवेयर भी करते रहते हैं। तो गाइस, आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलेट के अंदर। यहाँ पर आप सबको बताया, 2023 में एक नोटिफिकेशन था जिसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए काफी सारी वैकेंसीज यहां पर थी। आपने देखा होगा, अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करें तो नोटिफिकेशंस भी आपका यहां पर अवेलेबल है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी यहां पर जो इनका अवेलेबल हुआ था उसमें काफी सारी डिटेल्स उन्होंने यहां पर दे रखी थी और इसमें काफी बच्चों ने अप्लाई भी किया था। तो गाइज, इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहां पर थी। जैसे अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करें, साइंटिस्ट बी की भी पोजिशन वहां पर थी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 71 पोजिशंस थी। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB की 196 थी। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए की 331 पोजीशंस थी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज थी जिसमें दो का जो है, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, रिजल्ट ऑलरेडी आप लोगों का डिक्लेयर हो चुका था। शॉर्ट लिस्टिंग जो है इंटरव्यू के लिए वो डिक्लेयर हो चुकी थी। बट अब यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो साइंटिस्ट बी का भी यहाँ पर आप लोगों के जो फाइनली यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए आउट हो चुकी है। तो लिस्ट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर अवेलेबल है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो डेफिनेटली आपको कंग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का यहाँ पर रोल नंबर नहीं है, एप्लीकेशन नंबर नहीं है, डू नॉट बी डिमोटिवेटेड। इस तरीके की और भी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, टोटल अगर आप यहां पर देखोगे, इंटायर इन्होंने लिस्ट दे रखी है, 5 पेज की PDF है। 195 स्टूडेंट्स को इन्होंने यहां पे शॉर्ट लिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। अब काफी स्टूडेंट के माइंड में होगा, सर इंटरव्यू कब होने वाला है? तो जो इंटरव्यू होगा इसके लिए इन्होंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये लोग अनाउंस कर देंगे इसका इंटरव्यू भी। ये जो साइंटिस्ट बी की जो रिक्रूटमेंट थी, इसको इसके लिस्ट को रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम हुआ था, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया था। बट फाइनली ये आ गई है। ये नोटिस भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आया था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जल्दी ही रिलीज़ कर देंगे, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी गाइज, आप सबको बताया, साइंटिफिक ऑफिसर और बाकी जो पोस्ट थी उसमें भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई कर रखा था, तो उसका भी प्रोसेस जो है, लिस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी। वो जो है काफ़ी, अगर आपने देखा होगा, ये अवेलेबल थी। अगर हम कट ऑफ स्कोर के बारे में बात करें गाइस, तो कट ऑफ स्कोर जो है वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जनरल में जो है नंबर ऑफ पोजिशन 30 है और इन्होंने टोटल 84 स्टूडेंट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें अगर आप नॉर्मलाइज मार्क देखोगे, 120 में से 65.833 के आसपास, मतलब लगभग हाफ के आसपास भी जिस बच्चे के जनरल में मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो गया साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे NIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे ही SC में अगर आप देखोगे, 10 नंबर ऑफ पोस्ट है जिसमें 30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, 55 के आसपास कट ऑफ गई है। ST में 5 नंबर ऑफ पोस्ट है, 15 नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, 51 के आसपास कट ऑफ गई है। ऐसे ही OBC, EWS इन सब का भी आप देख सकते हैं, टोटल 195 स्टूडेंट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्टेड किया है। तो कट ऑफ भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। काफी स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर NIC क्या रिक्रूटमेंट अपने निकालता रहता है? डेफिनेटली इनकी फ्रिक्वेंटली रिक्रूटमेंट आती रहती है। जैसे मैंने आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी इनका दिखाया है, तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो भी स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई करना चाहते थे उन्होंने अप्लाई भी किया था और काफी स्टूडेंट यहां पे शॉर्टलिस्टेड भी हो गए होंगे और फाइनली वो लोग सिलेक्टेड भी हो जाएंगे। तो इनका जो साइंटिस्ट बी का या साइंटिफिक ऑफिसर की जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसका कंप्लीट इन्होंने डिटेल का एक पूरा एडवर्टाइजमेंट निकाला था और आप में से काफी स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया होगा। सिलेबस वगैरह भी इनका कुछ इस तरीके से था। गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर इसके बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल था, तो आप में से काफी स्टूडेंट ने गेट वाला में भी प्रिपेयर किया है। तो जिस स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि सर मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो गाइज, यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो कंप्लीट जो है पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी इनका अवेलेबल था और वैकेंसीज जो थी वो भी यहाँ पर सही वैकेंसीज अवेलेबल थी। जैसे साइंटिस्ट बी में भी अगर आप देखोगे तो BBTech के बच्चे भी अप्लाई कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि सिंगल और इनसे कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। ऐसे ही साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज भी थी और इन वैकेंसीज में साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसीज थी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट वाली वैकेंसीज थी। तो इन माय ओपिनियन गाइस, अब आप में से जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, अगर उनको इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट फ्यूचर में NIC में जाकर अपेयर होने चाहते हैं वो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि सर ये कब एग्जाम होता है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, हर तरीके की अपडेट वहाँ पे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।